वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पनीर का पकौड़ी और कॉफी। ठंड बहुत है तो शाम के वक्त कुछ तो चाहता है खाने के लिए, बच्चों को भी और हम लोगों को भी। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए पनीर के पकौड़ी। मैंने यहाँ पे दूध बैठा दिया है और मेरा तेल भी गर्म हो चला है, तो अब मैं बनाऊंगी पनीर के पकौड़ी। दूध में हमारे उबाल आ गया है तो इस पे मैं चीनी डालूंगी। ये आराम से अब खोलेगा, मेरा तेल भी गर्म हो चला है। ठंड बहुत है, आप लोग ठंड में चाय बहुत पी रहे होंगे। चाय पीना भी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, सेहत के लिए सही नहीं होता है। हम लोग, मुझे भी चाय पसंद है लेकिन ज़्यादा नहीं, कॉफ़ी पीती हूँ, काढ़ा पीती हूँ मैं। काढ़ा बहुत ही हेल्दी काढ़ा है, उसे आप बनाइए, बच्चों को भी पिलाइए, खुद भी पीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर है वो। लेकिन बहुत लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ठंड के टाइम में तो उन्हें बहाने मिल जाते हैं चार बार पांच बार चाय पीने के, बट लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है इतना ज़्यादा चाय। तो ठंड है और ठंड बहुत ज़्यादा है इस बार। न्यू ईयर के बाद से तो सूर्य देवता जी का दर्शन ही नहीं हुआ। अभी दो दिन से हल्की हल्की धूप आ रही है। आप लोग ठंड में अपने आप को बहुत बचा के रखें, अपना ख्याल रखें अच्छे से। और कॉफ़ी तो सही रहता है, चलो कॉफ़ी भी मेरा, बस चीनी हल्का सा बढ़िया से अच्छे से इसमें उबाल आ जाए, गल जाए। तो कितना मज़ा आता है ना ठंड में, अगर चटपटा खाने को मिले तब हजम हो जाता है। ठंड ऐसा टाइम होता है, मुझे ठंड बहुत अच्छा लगता है, गर्मी से तो ज़्यादा ही अच्छा मुझे ठंड लगता है। बहुत लोगों को तो ठंड पसंद भी नहीं है। ठंड में आलू की पूरी बनाओ, मटर की पूरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, चटनी बनाओ, हरे हरे धनिया की, कितना अच्छा लगता है ना। बहुत सी वेराइटीज़ हो जाती हैं ठंड में खाना बनाने का। हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। कॉफ़ी को हल्का सा दूध लेके आप किसी बर्तन में या कप में बहुत देर तक आप फेंट पी सकते हैं। उस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये इजी प्रोसीजर है, इस पर भी टेस्ट सेम ही आता है और अच्छा लगता है पीने में। तो मेरी कॉफ़ी लगभग तैयार हो चली है और मेरी पकौड़ियाँ भी तल रही हैं। आप लोग ठंड में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई नई रेसिपी हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं भी उसे ट्राई करूं, है ना। मुझे जितना आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, और आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता है, बहुत मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट भी करें, अच्छा अच्छा कमेंट करें ताकि मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे और रिप्लाई करने में भी अच्छा लगे, है ना। और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ ये भी मुझे आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग अब मेरी एक फैमिली बन गए हैं और बहुत ही अच्छी और प्यारी फैमिली मेरी बन रहे हैं आप लोगों की वजह से।
क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे इतना ज़्यादा मिलता है कि मेरा 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन थोड़ी सी तबीयत मेरी गड़बड़ होने की वजह से मैंने उसे सेलिब्रेट नहीं किया, बट मैं करूँगी, और जब मैं सेलिब्रेट करूँगी तो उसका वीडियो मैं पक्का डालूँगी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटूँगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही हमेशा मिलता रहे। तो मेरी कॉफ़ी बन चली है और मेरी पकौड़ी भी हो गई है सुनहरी लाल, बस अभी से निकालेंगे और गर्मा गर्म पनीर की पकौड़ी और कॉफ़ी का मज़ा लेंगे। आप लोग भी ठंड में बहुत बच के रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, छोटे बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का भी बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये ठंड जानलेवा ठंड है, इसे आप लोग बहुत ही केयर करके रहिए। स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे घर में हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि घर का काम भी बहुत बढ़ गया होगा, तो आप लोग उस काम में थोड़ा सा जितने भी जेंट्स हैं थोड़े सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लेडीज़ों को, लेडीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनके लिए ठंड बरसात गर्मी सब एक बराबर ही होता है, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए और बहुत अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, अपने अगल बगल वालों का भी ख्याल रखिए, हाल चाल लेते रहिए, पूछते रहिए, सबके साथ बने रहिए, है ना दोस्तों। तो चलो ठीक है, फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।